इस कंप्लीट रिएक्ट सीरीज में हम लोग रिएक्ट जेएस को स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीखेंगे। रिएक्ट आज के डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर सिंगल पेज एप्लीकेशन को बनाने वाली लाइब्रेरी है। ये ऐसा टूल है जो कि फेसबुक के द्वारा मेंटेन किया जाता है। इसकी काफी डिमांड है अगर हम लोग जॉब्स की बात करें तो, और उसी के साथ साथ इसको यूज करना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इसमें एक पॉइंट है सिंगल पेज एप्लीकेशन। अगर आप लोगों को नहीं पता कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन एक ऐसी वेब एप्लीकेशन होती है जो कि एक बार लोड होती है, बाकी का सारा काम जावास्क्रिप्ट से होता है। चाहे वो एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेशन हो, ये सारे के सारे काम बिना पेज के रीलोड किए सेमलेसली होते हैं। इस रिएक्ट सीरीज में मैं आपको रिएक्ट बहुत ही बेसिक से एडवांस तक सिखाऊंगा। बस आप लोग बने रहें इस सीरीज में और मैं आपको कंप्लीट रिएक्ट जेएस सिखा दूंगा। जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे रिएक्ट के अंदर, उसके लिए मैं एक जावास्क्रिप्ट रिफ्रेशर बना दूंगा, जहां से आप जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट देखते हैं तो आप एक अच्छे रिएक्ट डेवलपर बन सकते हैं, ये मेरा चैलेंज है। रिएक्ट जेएस कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है। इसका मतलब है जैसे आप किसी वेबसाइट पे गए जहां नेवबार, साइडबार, मेन कंटेंट एंड फुटर है, ये सभी कंपोनेंट्स हैं और सभी इंडिपेंडेंट है। आप नेवबार में कोई चेंजेस करते हैं तो साइडबार या फुटर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ये सभी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इस पिक में देख सकते हैं। रिएक्ट जेएस को यूज करने के लिए हम लोग नोड जेएस npm इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे Node.js install, ये पहली वेबसाइट आ रही है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। विंडो यूज करते हैं तो विंडो के लिए करेंगे, मैक यूज करते हैं तो मैक के लिए करेंगे। Node.js install होने के बाद VS Code install करेंगे, तो यहाँ पे टाइप करेंगे VS Code install, ये पहली वेबसाइट आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे। और विंडो यूज करते हैं तो विंडो के लिए इंस्टॉल करेंगे, और मैक यूज करते हैं तो मैक के लिए, और लिनक्स यूज करते हैं तो लिनक्स के लिए। एक रिएक्ट डेवलपर टूल्स एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे टाइप करेंगे रिएक्ट डेव टूल्स, ये एक एक्सटेंशन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये है, यहाँ से ऐड कर लेंगे। कुछ VS Code एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉल करने के लिए इस विंडो पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे ES7, और इस पे क्लिक करेंगे, ये वाला ES7 Redux GraphQL। इस एक्सटेंशन से बड़े आराम से थोड़े बहुत कोड लिख के फुल कोड को ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे IMP लिखे तो इम्पोर्ट हो जाएगा, IM लिखे तो मॉड्यूल इम्पोर्ट हो जाएगा। तो ये आगे इसका यूज करेंगे, ये बहुत ही मज़ेदार एक्सटेंशन है react.dev। रिएक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ से भी रिएक्ट को लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कैसे रिएक्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। इस रिएक्ट सीरीज में जो भी रिएक्ट के मटेरियल्स होंगे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता रहूँगा। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को सेव कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।